है न्यूज 19 में और मैं हूँ आपके साथ सविता शर्मा। आपको बता दूं कि मनीष सिसोदिया ने एक बड़ी बात कही है। यह बात यह है कि गुजरात के दौरे पर आज मनीष सिसोदिया हैं, जिन्होंने यह कहा कि आज यानी 27 साल से राज कर रही मोदी सरकार का स्कूली दौरा का निरीक्षण करने गए हैं। उन्होंने कहा कि देखते हैं कि गुजरात में यानी 27 सालों में मोदी सरकार ने स्कूलों की क्या व्यवस्था बनाई है, इसका जायजा लेने के लिए आज मनीष सिसोदिया यानी गुजरात गए। साथ ही आपको बता दें, मनीष सिसोदिया ने दरअसल केजरीवाल की यानी दिल्ली के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की 5 साल में सरकार के तहत चलते उन्होंने काफी विद्यालयों का यानी सुधार किया है। तो इसी के लिए आपको सुनाते हैं उनका मनीष सिसोदिया का बयान। मैं माइक नहीं देखा तो आज आपने गुजरात के भावनगर की मुलाकात ली है, सरकारी समस्याएं हैं उसकी सब जगह देखा आपने इसको। गुजरात नितिन भाई, शिक्षा मंत्री जी ने कहा अभी हमने गुजरात की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी है कि या तो यहाँ पढ़ लो और जिसको गुजरात शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं लगती वो गुजरात छोड़ के दिल्ली चले जाओ। तो ये बड़ा एरोगेंट बयान लगा मुझको। तो मैंने सोचा कि फिर हम भी देख लेते हैं भाई गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने क्या किया है। तो मैं इधर आया हूँ आज शिक्षा मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में। मैंने सोचा कि शिक्षा मंत्री जी ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में स्कूल बड़े वर्ल्ड क्लास कर दिए होंगे जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। तो यहाँ मैं आया और देखा कि शिक्षा मंत्री जी की अपनी विधानसभा में स्कूल ऐसे हैं, ये छोटे स्कूल। अब आप देखो यहाँ चारों तरफ, अगर आप यहाँ से दिखाओगे मेरे इसके बाद में सारी दीवारें टूटी पड़ी हैं। अब उनको पता था मैं आ जा रहा हूँ तो जाले की बेचारों ने साफ सफाई तो करने की कोशिश की है, लेकिन सारे जाले अभी भी लगे हुए हैं। मकड़ी के जालों के बीच, टूटी फूटी दीवारों वाले के बीच आप देखो, ये देखो ये इनके मध्यान्ह भोजन बोर्ड भी लगा हुआ है, क्लास भी चलते हैं, क्लासेस खुले में क्लासेस चल रही हैं, अंदर भी क्लासेज हैं। अब खाली एक स्मार्ट बोर्ड टांग दो तो भी स्कूल अच्छा हो गया। टूटी हुई दीवारें, मकड़ी के जाले, नीचे क्लासरूम में गया वहाँ पे पता चला बच्चों के पास में फर्श भी नहीं है बैठने को, तो फर्श तक नहीं अगर शिक्षा मंत्री अपने स्कूल में दे पाए हैं अपनी विधानसभा में। टूटी हुई दीवारों के बीच में, मकड़ी के जालों के बीच में, सड़े हुए वातावरण में अगर हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो जिन लोगों ने शिक्षा मंत्री जी को चुन के भेजा, जिन लोगों ने शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा मंत्री बनाया, कम से कम उनका तो ध्यान कर लेते कि उनके बच्चों को इतनी टूटी हुई दीवारों में, मुझे देख के डर लग रहा है कि इतना रिस्की है, कभी भी गिर सकता है, और इतनी गंदगी की मकड़ी के जाले साफ करने के बावजूद नहीं हटे। सुबह से सफाई लग रही है, उनको पता है मैं आ रहा हूँ, सफाई लग रही है, उसके बावजूद अभी भी मकड़ी के जाले नहीं हटा पा रहे। 4 स्मार्ट बोर्ड टांग के स्कूल में वो कहना चाहते हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई है, मजाक ना बस। ये देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।